अभी होलिका शतक चल रहा है, होलिका शतक चल रहा है ना, ये जो होलिका शतक है ना, जो 8 दिन होलिका शतक के जो रहते हैं, इसमें कोई शादी विवाह आदि कादिक जो शुभ कार्य होते हैं, मकान का प्रवेश, मुहूर्त, ये नहीं होते। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस दिन फागुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ी थी, उसी दिन कामदेव जलकर भस्म हुआ था। और कामदेव जब जलकर भस्म हुआ था तो 8 दिन तक कामदेव की धर्म पत्नी रति रो रो के बेहाल हो गई थी और देवताओं के दरवाजे पर जा जाकर अपना माथा रगड़ रही थी कि जब तक मेरा पति नहीं मिलता तब तक मृत्यु लोक में मैं सत्कर्म नहीं होने दूंगी। इसी को होलिका शतक कहा। रोती रही रहती, आंखों से नीर बहाती रही रहती। भगवान विष्णु के पास में भी गई, वहां जाकर निवेदन करा, प्रभु कृपा करिए, मेरा पति चले गया है, उसके लिए कुछ कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप देवाधिदेव महादेव से निवेदन करोगे तो ही काम होगा, क्योंकि जन्म देने वाला शंकर है तो मारने वाला शंकर है। जन्म, मरण और परण, ये तीन शिव ने अपने पास रख रखा, आप उससे कहो जाते। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर बोल दिया कि अब इनकी अंतिम समय चल रहा है, घर ले जाओ सेवा करो। डॉक्टर कह दिया कि घर ले जाओ सेवा करो, पर एक बात याद रखना कि लेकर तुम चले भी गए, पर जब तक उसके यहां से नहीं आएगी ना, तब तक बड़ा मुश्किल है। चाहे 50 बार गीता जी सुना दो, चाहे 10 बार गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दो, चाहे 5 बार तुम गंगा जल पिला दो, अपने को लगता है कि डोकरी निपट गई, जमीन पे सुलाया 15 मिनट में फिर जिंदा हो, फिर जिंदा। अब मन करता है कि बताओ, अभी तो मर ही नहीं, प्राणी नहीं छूटे। खूब लोगों ने कहा था, खूब उम्र है, खूब लंबी उम्र है, क्या रेखाएं, खूब जिएगा, खूब लंबी उम्र होगी, खूब लंबी उम्र होगी, और मालूम पड़े शरीर छूट गया, प्राण चल गया। जन्म, मरण, परण, तीन शिव के हाथ। कोई दूसरा उसको संभाल नहीं सकता, कोई दूसरा उसका वर्णन नहीं कर सकता। जन्म, मरण, परण, ये शंकर ने अपने पास में रख रखा है, इसको कोई साध नहीं सकता, इसको केवल शिव ही साध, शंकर ही। भाग्य लिख दिया शिव ने पार्वती का। रति रोती रही, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा, शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर उत्पन्न होगा और तुम्हें मिलेगा।